मंगलवार को मेजेंटा लाइन के मेट्रो के ट्रायल के दौरान हादसे को लेकर डीएमआरसी ने अपनी गलती को मान लिया है। डीएमआरसी के मुताबिक ट्रेन को धुलाई के लिए वर्कशॉप ले जाया जा रहा था, लेकिन धुलाई के बाद ब्रेक की जांच के बिना ही ट्रेन को रवाना कर दिया गया। दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो साइट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन मिश्रा। साउथ दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मजेंटा लाइन मेट्रो मंगलवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जी हां, चालक रहित यह मेट्रो ट्रेन ट्रायल के दौरान इसमें बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के बाद डीएमआरसी ने अपनी गलती मान ली है। डीएमआरसी के मुताबिक मेट्रो ट्रेन की धुलाई के बाद जब इसे रवाना किया तो ब्रेक को बिना जांच किए ही आगे भेज दिया गया था। हालांकि इस घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही दोषी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर मजेंटा लाइन मेट्रो की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन ट्रायल के दौरान ही जब ये घटना सामने आया है तो सवाल कई खड़े हो गए हैं। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।